मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सत्य परिषद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई रामपुरा ने महाविद्यालय प्रधानाध्यापक को सौंपा ज्ञापन। रामपुरा नीमच मध्य प्रदेश, दिनांक 21 फरवरी 2024। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई रामपुरा द्वारा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुरा जिला नीमच के प्रधानाध्यापक बलराम सोनी को मुख्यतः मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रातः 11 बजे विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिसर में संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन विद्यार्थी परिषद इकाई नगर मंत्री माधव सोनी ने किया। वर्षों से बंद पड़े वार्षिक उत्सव को चालू किया जाए। युवाओं के आदर्श प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित की जाए। कॉलेज कैंपस में कैंटीन चालू किया जाए। कॉलेज कैंपस में साफ सफाई नहीं हो रही है, जिसकी साफ सफाई प्रतिदिन हो। महोदय से मेरा यही निवेदन है, नहीं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाधित होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। सर, आज ये बालक लोग यहाँ पर एकत्रित होकर आपको कुछ ज्ञापन सौंपा है, ये किस परिपक्ष में किया है सर? ये एक तो बच्चों की मांगे हैं, तो वार्षिक उत्सव चालू करने से संबंधित मांगे, स्वामी जी की प्रतिमा के संबंध में, कॉलेज कैंपस में कैंटीन चालू करने की मांग है, साफ सफाई के बारे में आपने बताया। सर, ये सारी चीज़ें कितने वर्षों से बंद है? कॉलेज कैंटीन यहाँ चलाया था हमने, और कॉलेज कैंटीन में क्योंकि जिनका ठेका हुआ था उन्होंने बताया कि बच्चे यहाँ पर जो है उनका लागत नहीं निकलती थी, इसलिए उन्होंने बंद कर। सर, वार्षिक उत्सव के मामले में क्या कहेंगे? वार्षिक उत्सव की बच्चे की मांग होता है, बिल्कुल पूरी करेंगे। आपका नाम क्या है? मैं माधव सोनी हूँ, विद्यार्थी परिषद में मेरा नगर मंत्री का दायित्व है। आपने आज एक तो ज्ञापन सौंपा है, ये किस परिप्रेक्ष्य में किया है सर? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन इसलिए सौंपा है कि 2017 में जब छात्र संघ चुनाव होते, जब कॉलेज में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम होता, उसके बाद अभी तक इन 5-7 सालों में कोई वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम हुआ नहीं है। उसकी ये बच्चों से कॉलेज प्रशासन जो है बच्चों से फीस भी लेता है, उसके बाद भी अभी तक इनने कार्यक्रम तो कुछ भी कार्यक्रम नहीं कराया वार्षिक उत्सव का। और हमारी 2-3 और मांगे थी, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को लेकर और साफ सफाई को लेकर। साफ सफाई आप देख ही रहे हो कॉलेज के अंदर, हमने पहले भी कुछ ज्ञापन दिए तो कॉलेज में कुछ ध्यान नहीं दिया है, तो हमने इनको 7 दिन का समय दिया है, तो 7 दिन में इनने हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने का बाधित होगा, और उसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी।